जैसे जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले एक साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू सांबा कठुआ इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले एक साल में अगर हमारी इतला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, इन्हें कैसे नज़र आता समझ में नहीं आ रहा। लगातार ये जो किलिंग्स का सिलसिला रहा है और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी ना किसी की तो ज़िम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी किसकी है, उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। उमर साहब, एक अहम सवाल है, नहीं इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो कल महबूबा मुफ्ती ने कहा था आफ्टर डीजी स्टेटमेंट कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलिटेंसी को फरोग दे दिया, उस पर कर महबूबा जी ने कहा ना उमर अब्दुल्ला साहब ने फरोग दिया है, ना पीडीपी ने, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने। इस तरह की ब्लेम करना, डीजी एक कम्युनल लाइंस पर काम कर रहा है, डीजी कम पॉलिटिशियन ज्यादा है, तो उस पर उसको यहाँ से निकाल नहीं बैठा। मैं कम्युनल लाइंस की बात नहीं करूँगा। हाँ, ये सही है कि डीजी साहब ने सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की, बेहतर ये होता कि सियासत सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियां अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम हुकूमत की मदद कर सकते हैं, उनका हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना वो डीजी का काम है, वो अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें। कल मॉर्नर्स को अरेस्ट किया गया, कई सारे मॉर्नर्स अरेस्ट हुए कल, कई मुहर्रम के जुलूस में कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। ना, अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। ये लोग ताजियत के लिए आते हैं और हुकूमत के तरफ से इस तरह उन्हें गिरफ्तार करना या उनको तंग करना ये अच्छी बात नहीं है। आप कहीं और ये नहीं करते, किसी और मौके पे किसी और मज़हब के साथ ये नहीं होता। पता नहीं इनको मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाना इतना आसान क्यों लगता है। सर, लास्ट एक क्वेश्चन, जो एलजी को पावर दिए गए एक्स्ट्रा पावर उसके बारे में, ये कौन सी नई बात है, हमें मालूम था ये होगा। और यूटी में यही खतरा है कि पावर जो है वो लोगों के पास नहीं रहता, लेकिन ये कम वक्त की बात है। वज़ीर-ए-आज़म, होम मिनिस्टर सबों ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यूटी तो फेल हो गई है, यूटी जम्मू में फेल हो गई है, मिलिटेंसी के खिलाफ फेल हो गई है, डेवलपमेंट में फेल हो गई है, हर लिहाज से आप देखें यूटी फेल हो गई है। तो बेहतर यही होगा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देके इलेक्शन करा के यहाँ लोगों के हाथ में हुकूमत वापस दी जाए।